الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده कहा उनके लिए उनके रसूलों ने इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम नहीं हैं हम मगर बशर तुम्हारे जैसे वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी और लेकिन अल्लाह ताला एहसान करता है ऊपर जिसके वो चाहता है अपने बंदों में से वमा कान लना अन नतियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़्निल्लाह और नहीं है हमारे लायक कि हम लाएँ तुम्हारे पास बिसुल्तान कोई मौजज़ा कोई निशानी इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह की इजाज़त के साथ वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून और अल्लाह ही पर बस चाहिए कि तवक्कुल करें मोमिन लोग क़ालत लहुम रुसुलुहुम कहा उनको उनके रसूलों ने हमने पीछे पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने यह हम आयत नंबर 11 पढ़ रहे हैं तो पीछे आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने पिछली बहुत सारी कौमों का ज़िक्र किया और अल्लाह ने फरमाया कि पिछली कौमों के पास कौम नूह हो कौम आद हो कौम समूद हो या उनकी बात आने वाली अनगिनत कौमें जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो अल्लाह ने उन कौमों का बिलुमूम ज़िक्र किया कि उन कौमों के पास उनके रसूल रोशन निशानियाँ लाए थे तो उन कौमों का आगे से रवैया इनकार का था ना मानने का था उन्होंने रसूलों की दावत पर रसूलों के पैगाम पर उन्होंने शकूक व शुबहात पेश किए फिर अल्लाह ताला ने रसूलों की दावत का ज़िक्र किया कि रसूलों ने अपनी कौम को क्या दावत दी रसूलों ने कहा कि क्या अल्लाह के बारे में शक है वो अल्लाह जो ज़मीनों आसमान का पैदा करने वाला है वो अल्लाह जो इतना रहीम व करीम है कि उसको ज़रूरत नहीं है कि तुम उसकी इबादत करो तुम्हारी ज़रूरत है लेकिन वो तुम्हें बुलाता है ताकि वो तुम्हें माफ़ करे वो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हें ढील दे एक वक्त मुकर्रा तक आगे फिर कौमों का इतराज़ ज़िक्र किया तीन इतराज़ ज़िक्र किए हैं कौमों के ये इतराज़ ये उमूम बिलूम सब कौमों ने अपने नबियों पर ये इतराज़ किए हैं उनमें से पहला इतराज़ ये है कि एक तो तुम हमारे जैसे इंसान हो तो तुम हमारे जैसे इंसान हो तो तुम पर वही कैसे हो सकती है अगर हम तो उसे अल्लाह का नबी रसूल मानेंगे जो फरिश्ता हो जो नूरानी मखलूक हो बशर को हम नबी नहीं मान सकते दूसरा इतराज़ कि तुम हमें हमारे आबाओ अजदाद के दीन से तुम हमें रोकना चाहते हो तुम हमें उस जिसकी इबादत हमारे आबाओ अजदाद करते हैं तुम हमें हमारे आबाई दीन से रोकना चाहते हो तीसरी बात उन्होंने कही कि वाज़े दलील कोई मौजज़ा तुमने पेश नहीं किया हमारे पास कोई मौजज़ा पेश करो तो ये तीन इतराज़ात किए कौमों ने जो पहला इतराज़ है कौमों का ये बिलुमूम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जो पहले रसूल हैं हज़रत नूह से पहले नबी थे रसूल नहीं थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हो तो नबी थे रसूल नहीं थे पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी हर रसूल पर उसकी कौम ने यह इतराज़ किया है कि तुम चूँकि इंसान हो तो हम तुम्हें अल्लाह के नबी नहीं मानते तुम हमारे जैसे इंसान हो और मैंने कल तफसील से वाज़े किया कि ये कहना कि चूँकि आप हमारे जैसे इंसान हैं इंसान पर वही नहीं हो सकती ये एक गलत इतराज़ है ये गलत इतराज़ कैसे है कौन बताएगा आप में से ये क्यों गलत इतराज़ है मेरा सवाल ये है कि कौमों ने कहा अपने रसूलों से
कि तुम बशर हो हमारे जैसे, मतलब क्या है तुम बशर हो लिहाजा हम तुम्हें नबी नहीं मान सकते। तो कौमों का ये इतराज़ कि बशर नबी नहीं हो सकता, कौमों का ये इतराज़ गलत है। कल तफसील से बात हुई थी, ये इतराज़ क्यों गलत है, कल मैंने वजाहत किया था, वजाहत की थी। तो कौमों का ये इतराज़ करना नबियों से कि आप बशर हैं हमारे जैसे, इस इतराज़ का मतलब क्या है, चूँकि आप बशर हैं लिहाजा हम आपको नबी नहीं मान सकते, तो कौमों का ये इतराज़ गलत, ये कौमों का इतराज़ है। ये इतराज़ कल मैंने साबित किया था अकली दलाइल से कि ये गलत है। ये जवाब तो जी जी तो ये उन्हीं बात का जवाब था की तरफ तो वो कह रहे हैं की उनका इतराज गलत था। असल में उनका इतराज ये है, ये इतराज़ था और हमें हर कौम को ये इतराज़ रहा कि हम ही में से किसी इंसान पर वही कैसे आ सकती है। क्या मतलब, यानी हम दुनिया में बसते हैं, दुनिया में बसने वालों का आलम बाला से कैसे रابطہ हो सकता है। एक तरफ ये इतराज़ करते थे, दूसरी तरफ वो कहते थे कि हम में से किसी अजीम इंसान पर वही क्यों नहीं हुई, अल्लाह को वही के लिए यही मिले हैं। और वो हज़रत मूसा, हज़रत ईसा को मानने वाले, हज़रत इब्राहिम को अल्लाह के नबी मानने वाले, दीगर अंबिया को, वो भी तो इंसान थे। तो कौमों का ये इतराज़ करना, हर कौम ने इतराज़ किया है, ये बात याद रखिए कि ये हर कौम का इतराज़ है अपने नबी पर। कुरान करीम का मुतालिया करें, कुरान करीम में अल्लाह ने दसियों बार मुख्तलिफ़ कौमों का ये इतराज़ ज़िक्र किया है कि अक्सर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मना अन्नास युमिनु इज़ाहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला, कि अक्सर लोग वो ईमान क्यों नहीं लाए जब उनके पास हदायत आ गई, वो इसलिए ईमान नहीं लाए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बशर रसूल क्यों भेजा है। हज़रत नूह अलैहि सलाम पर उनकी कौम को यही इतराज़ था, मा हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। हज़रत सालेह अलैहि सलाम पर कौम समूद का यही इतराज़ था, हज़रत हूद अलैहि सलाम पर कौम आद का यही इतराज़ था, हर नबी पर उनकी कौम का ये इतराज़ था कि ये बशर हैं, और उनका कहना यह था बशर नबी नहीं हो सकता। तो मैंने कल आपके सामने वजाहत की थी कि ये अकली दलाइल से, कि ये एक तो कुरान के दलाइल हैं ना, तो मैंने कहा था कि ये वो आगे जवाब आ रहा है अगली आयत में, वो तो हम आज पढ़ते हैं। तो मैंने अकली दलाइल से बात साबित की थी कि ये बात उनकी गलत है, ये गलत इसलिए है, असल में उनका इतराज़ समझिए, उनका इतराज़ क्या है, बशर पर वही क्यों नहीं हो सकती। उनका इतराज़ ये है, बशर पर वही इसलिए नहीं हो सकती कि बशर तो दुनिया में बसते हैं हमारी तरह, हम भी बशर हैं, ये भी बशर हैं, हमारी तरह ये पैदा हुए हैं और हम इनके ख़ानदान को जानते हैं। तो अगर बशर पर वही हो सकती है तो बशर तो हम भी हैं, हम पर वही क्यों नहीं होती, अगर हम पर नहीं होती तो इन पर वही कैसे हो गई, ये उनका इतराज़ है। इसका जवाब मैंने कल दिया था, मैंने कहा था ये उनका इतराज़ सही हो सकता था, कैसे सही हो सकता था, अगर अगर नबी ये कहते कि हम हमारा आलम बाला से राबता है, हम आलम बाला से राबता करते हैं, अगर नबी ये कहते तो उनका इतराज़ किसी हद तक वैलिड हो सकता था, लेकिन नबियों का दावा ये था ही नहीं कि हमारा आलम बाला से राबता है। नबियों का दावा क्या था कि अल्लाह ताला हम पर वही करते हैं। देखिए दोनों बातों में फ़र्क है, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, दोनों बातों में फ़र्क है। एक बात ये है कि नबी ये कहे, देखिए नबी भी तो जिस तरह दुनिया में इंसान बसते हैं, बशर बसते हैं, नबी भी तो एक बशर है। अगर नबी ये दावा करे कि मेरा आलम बाला से राबता है, मेरे पास ये सलाहियत है कि मैं आलम बाला से बातचीत कर लेता हूँ, एक है नबी ये बात कहे और एक है नबी ये दावा करे कि अल्लाह मुझसे राबता करते हैं, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। लोगों का ये इतराज़ कि बशर पर वही नहीं हो सकती,
ये इतराज तब वैलिड बनता है जब नबी ये दावा करे कि मेरा आलम वाला से रब्ता है। नबी का ये दावा नहीं है। देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आज कोई ये दावा कर दे, आज कोई ये दावा कर दे कि इस दुनिया में कहीं और किसी सैारे में कोई ऐसी मखलूक बसती है अकल वाली, तो मेरा उस मखलूक से रब्ता है। अगर कोई ये दावा कर दे तो क्या लोग उसके इस दावे को मान लेंगे? अगर कोई ये दावा करे कि इस दुनिया में कहीं और एलियंस बसते हैं और मेरा उनसे रब्ता है, अगर कोई ये दावा करे, लोग आगे से क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अगर आपका रब्ता है तो हमारा रब्ता क्यों नहीं है? अगर आपका रब्ता है, आप हमारा रब्ता भी करवा दें, हम आपकी बात मान लेंगे। लोग यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई हमें कहे, हम भी यही कहेंगे। अब नबियों का दावा क्या है? नबियों का दावा ये है ही नहीं। देखिए, एक है नबी इंसान है, ये बात याद रखिए। नबी इंसान है, इस दुनिया के बाशिंदे हैं। जिस तरह गैर नबी इस दुनिया के बाशिंदे, नबी भी इस दुनिया के बाशिंदे हैं। अगर नबी ये दावा करें कि हमारे पास ये सलाहियत है कि हम आलम बाला से मुराद इस दुनिया से बाहर वो आसमान है या दीगर सितारे सैारे हैं, अगर नबी ये दावा करे कि मैं उनसे रब्ता कर सकता हूँ, तो फिर ये काफिरों को ये इतराज़ बिल्कुल सही है नबी पर, अगर नबी का दावा ये हो तो। लेकिन नबी का ये दावा नहीं है। नबी का दावा क्या है? नबी का दावा ये होता है, ये नहीं होता कि मुझ में ये सलाहियत है, मैंने आलम वाला से, आसमानों से, एलियन से, ये किसी सैारे से रब्ता कर लिया, ये मैंने अल्लाह से रब्ता कर लिया। नबी कहे कि मुझ में ये सलाहियत है कि मैं बशर होकर, अल्लाह का बंदा होकर अल्लाह से रब्ता करूँ, या आसमानों में किसी से रब्ता करूँ, फरिश्तों से रब्ता करूँ, या अल्लाह से रब्ता करूँ, तो कोई कहेगा कि जी अगर आपका रब्ता हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। नबी का ये दावा नहीं है कि मुझ में ये सलाहियत है कॉल मिलाने की, मुझ में ये सलाहियत है रब्ता करने की, नबी का ये दावा नहीं है। नबी का दावा क्या है कि अल्लाह मुझ पर वही करते हैं। इन दोनों बातों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैंने कल ये नुक्ता वाजे करने की कोशिश की थी, आप में से शायद कई लोगों ने पिक नहीं किया ये नुक्ता। नबी का दावा ये नहीं है कि मुझ में सलाहियत है, मैं जब चाहूँ मैं अल्लाह से रब्ता कर लूँ, मैं जब चाहूँ मैं जिब्रील से रब्ता कर लूँ, किसी नबी का ये दावा नहीं है। नबी का दावा क्या है कि मुझ पर जिब्रील उतरते हैं। किसके हुक्म से उतरते हैं? अल्लाह के हुक्म से। जब अल्लाह चाहता है अल्लाह मुझे वही करता है। तो ये नबी की सलाहियत नहीं है, ये किसकी ताकत है, किसकी कुदरत है? अल्लाह की। और अल्लाह की कुदरत पर सवाल हो ही नहीं सकता। अल्लाह की कुदरत के बारे में मखलूक सवाल कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिसको रब मान लिया, देखिए अल्लाह को रब तो मुशरिक भी मानते हैं। अल्लाह को खालिक मालिक मुशरिक मानते हैं कि नहीं मानते? तो जब मुशरिक अल्लाह को खालिक मालिक मानते हैं, तो अगर नबी ये दावा करे कि अल्लाह ने मुझसे रब्ता किया है और अल्लाह जब चाहे मुझसे रब्ता करता है फरिश्ते के वास्ते से या फरिश्ते के बगैर, तो इस पर इतराज़ बनता नहीं है। ये इतराज़ के जी आप तो बशर हैं, आपका कैसे रब्ता हो गया? अगर आपका रब्ता हो सकता, हमारा रब्ता क्यों नहीं होता? भाई नबी का ये दावा ही नहीं कि मैं रब्ता करता हूँ। अगर तो नबी कहे ना मैं रब्ता करता हूँ, मुझ में ये सलाहियत है, तो लोग इतराज़ करेंगे। अगर आप में बशर होने के बावजूद ये सलाहियत है, तो बशर तो हम भी हैं, या तो आप हमें हमारा भी रब्ता करवा दें, आप साबित कर दें। नबी का ये दावा नहीं है कि मैं अल्लाह से रब्ता करता हूँ, मैं फरिश्ते से रब्ता करता हूँ। नबी का दावा क्या है? अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह जिसको चाहता है अल्लाह रसूल चुन लेता है फरिश्तों में से या इंसानों में से। अल्लाह ने मुझे अपना रसूल चुना है। وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ। ये चुनाव नबी की तरफ से होता है कि अल्लाह की तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से होता है। और नबी की ताकत और कुदरत पर तो इतराज़ हो सकता है, अल्लाह की ताकत और कुदरत पर तो इतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो माबूद है, वो तो खालिक कायनात है। इस पर एक मैंने कल जिक्र किया था, कल सारी बातें जिक्र की थी। इस पर एक इतराज़ हो सकता है, अगर नबी ये कहे कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है नबूवत के लिए, इस पे कोई ये इतराज़ कर सकता है कि अल्लाह ने आप ही को क्यों चुना है? अल्लाह ने आपके अलावा किसी और को क्यों नहीं चुना?
अब ये इतराज़ करना कि जी बशर पर वही नहीं हो सकती, ये इतराज़ तो इनवैलिड हो गया ना। ये इतराज़ तब सही बनता है अगर नबी ये कि मैं जब चाहूँ रब्ता कर लूँ। देखिए नबी सल्लम की सूरत हाल क्या है, नबी करीम सल्लम की शदीद ख्वाहिश होती थी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ज़्यादा से ज़्यादा वही के लिए आएँ, बल्कि आपने हज़रत जिब्रील से ये बात कही भी, क्या जिब्रील लेट क्यों आते हो, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते। मौजूद है कुरान करीम में, सूरह मरियम में मौजूद है। हज़रत जिब्रील ने क्या जवाब दिया आगे से, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ऐ जिब्रील लेट क्यों आते हो, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, तो हज़रत जिब्रील ने क्या जवाब दिया, हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया, अल्लाह ने कुरान में उनका जवाब नकल किया है। हज़रत जिब्रील ने कहा वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्र रब्बिक लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया। सूरह मरियम की आयत है। क्या मतलब है इस आयत का, कि हम अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं। हज़रत जिब्रील का यह जवाब है जो अल्लाह ने कुरान में नकल किया, हम अपनी मर्ज़ी से आप पर उतरते ही नहीं हैं। यानी देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते हज़रत जिब्रील से रब्ता नहीं कर सकते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते अल्लाह से रब्ता नहीं कर सकते थे, अल्लाह से दुआ कर सकते थे, अल्लाह जब चाहते तब रब्ता होता था, अल्लाह जब चाहते वही होती थी। समझ आ रही कि नहीं बात, अल्लाह जब चाहते अल्लाह डायरेक्ट वही कर देते, अल्लाह जब चाहते अल्लाह फरिश्ते के ज़रिए वही कर देते। फरिश्ता भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता था, फरिश्तों को भी अल्लाह भेजते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, तो हज़रत जिब्रील ने कहा हम तो अपनी मर्ज़ी से आते ही नहीं हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म से आते हैं। वो अल्लाह लहू मा बैना अयदीना व मा खल्फना, वो अल्लाह के हमारे सामने की चीज़ें भी उसकी हैं, हमारे पीछे की चीज़ें भी उसकी हैं, व मा बैना ज़ालिक दरमियान की सारी चीज़ें भी अल्लाह के लिए हैं। वमा काना रब्बुका नसिया, और रब आपका भूला हुआ भी नहीं है। ये नहीं होता कि अल्लाह ताला रब्ता करना भूल जाते हैं नबी से, इसलिए रब्ता लेट हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, अल्लाह के अपने फैसले हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, तब रब्ता होता है। ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिससे पता लगता है कि ये जो वही का सिलसिला जब भी जुड़ता था वो किसके हुक्म से जुड़ता था, अल्लाह की तरफ से जुड़ता था। जब भी जुड़ता था नबी खुद जब चाहता वही तो वही नहीं हो सकती थी, हज़रत जिब्रील जब चाहते वही नहीं हो सकती थी, जब अल्लाह चाहते थे तो वही होती थी। तो ये कॉल जो मिलती थी, ये जो रब्ता होता था, वही जो होती थी अल्लाह की तरफ से होती थी। तो ये इतराज़ करना कि आप चूँकि बशर हैं आप नबी नहीं हो सकते, ये इतराज़ इस बात पर गौर करें ख़त्म हो जाता है। देखिए अल्लाह ताला तो नबी के मैं जब जाऊँ अल्लाह से वही कर लूँ, तो फिर कोई बंदा कह सकता है जी आप बशरा तो हम भी बशरा, हम भी जब चाहें अल्लाह से रब्ता कर लें। नबी का अल्लाह से रब्ता नहीं करता, अल्लाह नबी से रब्ता करते हैं। अल्लाह नबी से रब्ता कर लें अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह फरिश्ते से रब्ता कर लें अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, बल्कि मैं तो इससे आगे की बात भी करता हूँ, अल्लाह किसी जानवर से रब्ता कर लें, अपने अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह ज़मीन को कोई हुक्म दे दें, अल्लाह आसमान को कोई हुक्म दे दें, अल्लाह शहद की मक्खी को कोई हुक्म दे दें, अल्लाह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। कुरान में है क्या नहीं वाहा रब इला नहली, कि आपके रब ने शहद की मक्खी को वही की। अब इसमें शहद की मक्खी का क्या कमाल है, शहद की मक्खी का कमाल नहीं है इसमें, कमाल किसका है, अल्लाह का। अब कोई बंदा ये कहे कि शहद की मक्खी पर वही कैसे हो सकती है, भाई आपका ये इतराज़ उस वक्त सही है जब आप ये कहें कि शहद की मक्खी रब्ता करती है, शहद की मक्खी तो रब्ता नहीं करती, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, अल्लाह की तरफ से वही होती है। वो ज़मीन को अल्लाह वही करते हैं बेअन्न रब्बका उहालहा, वो अल्लाह आसमान को चाहें वही कर देते हैं। क़्यामत के दिन हमारे जिल्दें बोलेंगी, क़्यामत के दिन हमारे अज़ा बोलेंगे, क़्यामत के दिन हमारे मुंह पर मोहर लग जाएगी और हाथ पांव बात करेंगे। किसके हुक्म से बात करेंगे, उस अल्लाह के हुक्म से जिसने हर शय को ज़बान दी, वो अल्लाह क़्यामत के दिन हमारे अज़ा को ज़बान देगा और हमारे अज़ा बोलेंगे। तो ये वही और ये सारा जो रब्ता है ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये इतराज़ ख़त्म हो जाता है कि आप तो बशर हैं आप पर वही नहीं हो सकती। हाँ इस पर एक इतराज़ और हो सकता है, वो इतराज़ क्या है कि जी आप ही को वही क्यों होती है, चल अल्लाह की तरफ से वही होती है, आप ही को क्यों अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने किसी और को क्यों नहीं चुना। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह जिसको चाहे चुने,
उसमें कोई बंदा ये इतराज कर दे कि भाई इस बात की क्या दलील है कि वाकई अल्लाह ने आपको चुना है, इस बात की क्या दलील है कि अल्लाह ने आपको चुना है, ठीक है, उसकी दलील फिर मौजज़ा होता है। उसकी दलील क्या होता है? मौजज़ा। जब नबी ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे चुना है, अब लोग कहते हैं कि जी जब अल्लाह की वही आपको होती है तो हमें कैसे पता लगे अल्लाह की आपको वही हुई है, हमें तो वही नहीं होती, उस वही में हम तो शरीक नहीं होते। अब क्या होता है, लोगों के सामने नबी को वही हो रही होती है, लोग उस वही में शरीक नहीं होते, चाहे वह सहाबा हों चाहे वो, कई दफ़ा कुफार सवाल करने आ जाते थे, अल्लाह की तरफ से जवाब आ जाता था, कई दफ़ा सहाबा आपसे सवाल करते थे, अल्लाह की तरफ से जवाब आ जाता था, उस जवाब को कौन सुनता था? लोग तो नहीं सुनते थे, मुसलमान हो या कुफार, कौन सुनता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे। अब उस पर कोई इतराज़ करे कि जी हमें क्या पता आप पर वही हुई है कि नहीं हुई, या चलो नबी कहते हैं मुझ पर वही हुई है, नबी की बात इसलिए मानना ज़रूरी है कि मुझ पर वही हुई है कि नबी झूठ नहीं बोलते, ये भी एक अकली दलील है नबी की हक्कानियत की, नबी झूठ नहीं बोलते। नबी ने एक उम्र गुजारी है हमारे दरमियान, फ़कत लबिस्तु फीकुम उमरा मिन क़ब्लिही, मैंने तुम्हें एक उम्र गुजारी है। अब कोई बंदा ये कहे जी कि नबी से ही रब्ता हुआ, तो इस बात की क्या दलील है कि नबी सच बोल रहा है? इस बात की दलील नबी के मौजज़े होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि अल्लाह ने मुझे वही किया है फिरौन के सामने, फिरौन ने कहा इसकी दलील, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, वो दलील थी इस बात की कि हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं, हज़रत मूसा के लाठी का सांप बनना अल्लाह के हुक्म से था। इसी तरह हज़रत ईसा और दीगर अम्बिया के मौजज़ात, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, ये इस बात की दलील हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से वही होती है। चूँकि इस वही में दीगर लोग शरीक नहीं हो पाते, दीगर लोगों को मुतमईन करने के लिए मौजज़ात उतरते हैं, उस नबी के हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें सादिर होती हैं जो आम लोगों के हाथ से सादिर नहीं हो सकती। तो लोगों का ये इतराज़ कि बशर पर वही नहीं हो सकती, ये इतराज़ इस सारी तफसील से ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ने देखिए इस इतराज़ का क्या जवाब दिया है, अगली आयत करीमा अगर हम पढ़ें, अल्लाह ने इस इतराज़ का क्या जवाब दिया है, तीन इतराज़ हैं, अल्लाह ने तीनों इतराज़ का जवाब दिया है। पहला इतराज़ ये है कि आप तो बशर हैं, आप पर वही नहीं हो सकती, और मैंने बताया ये इतराज़ कुरान में दसियों जगह पर यह इतराज़ मौजूद है कुफ्फार का, हर नबी पर उसकी कौम ने इतराज़ किया आप बशर हैं, आप पर वही कैसे हो सकती है। अल्लाह ने इसका जवाब दिया है नबियों के ज़बानी, कालत लहुम रसूलुहुम, कहा उनको उनके रसूलों ने, यानी जवाब में, इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं हैं हम मगर बशर तुम्हारे जैसे, वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, लेकिन अल्लाह ताला एहसान करता है अपने बंदों में से जिस पर वो चाहता है। ये रसूलों का जवाब है, ये किस बात का जवाब है, कौमों का इस एतराज़ का ये जवाब है, कौमों का ये कहना कि आप तो बशर हैं आप पर वही कैसे हो सकती है। अल्लाह ने इसका जवाब दिया है कि ए नबियों अपनी कौमों से कह दो कि नहीं हैं हम मगर बशर तुम्हारे जैसे, यानी हम तुम्हारे जैसे बशर ही हैं, लेकिन हमारा और तुम्हारा फ़र्क क्या है, अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहे एहसान करते हैं, या एहसान से क्या मुराद है, वही करना मुराद है। यानी नबियों का जवाब ये है कि तुम कहते हो कि चूंकि आप बशर हैं लिहाजा हम आपको नबी नहीं मानते, बशर नबी नहीं हो सकता, तो रसूल इसका जवाब दे रहे हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से रसूल जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी बात यहाँ तक तो ठीक है कि हम बशर हैं, नहीं हैं हम मगर बशर तुम्हारे जैसे, हम बशर ही हैं, तुम्हारे जैसे बशर हैं, लेकिन हमारा और तुम्हारा एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है, अल्लाह के एहसान का, अल्लाह ने हम पर एक एहसान वो किया है जो तुम पर नहीं किया है, और वो एहसान, यहाँ सिर्फ एहसान का जिक्र है, वो एहसान क्या है, वो एहसान वही करना है। गोया के नबियों की इस बात का मतलब ये हुआ, नबियों के इस जवाब का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा ये इतराज़ तो ठीक है कि हम बशर हैं, लेकिन बशर होने से ये नतीजा निकालना कि बशर पर वही नहीं हो सकती, ये नतीजा गलत है, बशर पर वही हो सकती है, ये जवाब है नबियों का, और तुम पर वही क्यों नहीं होती, हम पर क्यों होती है, क्योंकि अल्लाह ने हम पर एहसान कर दिया, तुम पर अल्लाह ने वो एहसान नहीं किया, ये जवाब है।
गोया के खुलासा क्या निकला, लोगों का ये इतराज़ कि चूँकि आप बशर हैं, बशर होने का मतलब है आप पर वही नहीं हो सकती, लोगों का ये इतराज़ ही गलत है। यानी बशर होने का यह मतलब नहीं है कि बशर पर वही नहीं हो सकती, बशर पर वही हो सकती है। जवाब ये हुआ। अब आगे ये सवाल के जी फिर अल्लाह ने नबियों को क्यों चुना, गैर नबी पर वही क्यों नहीं होती, वो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह जिस पर चाहे एहसान करे अपने बंदों में से, वो अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह का एहसान है। तो गोया के लोगों का ये इतराज़ कि बशर पर वही नहीं हो सकती, ये अल्लाह ने इस इतराज़ को गलत एतराज़ करार दिया, और अल्लाह ने फरमाया कि बशर पर वही हो सकती है, अल्लाह बशर में से जिस पर एहसान करे अल्लाह उस पर वही कर सकता है। अल्लाह ये वही करना अल्लाह का काम है, बशर का काम है ही नहीं, अल्लाह का काम है वही करना, अल्लाह जिस पर चाहे वही कर दे। तो कौमों का ये कहना है कि बशर बशरियत ये नबूवत और रिसालत के मुनाफी है, ये बात गलत है। बशरियत नबूवत और रिसालत के मुनाफी नहीं है। यानी गोया कि लोगों का कहना ये है कि बशरियत नबूवत और रिसालत के मुनाफी है, अल्लाह का कहना ये है कि बशरियत नबूवत और रिसालत के मुनाफी नहीं है। लेकिन किस बशर पर वही होगी, हर एक पर नहीं हो सकती, जिस पर अल्लाह का एहसान होगा, जिस पर अल्लाह का इनाम होगा, जिस पर अल्लाह चाहेगा सिर्फ उसी बशर पर वही होगी, ये अल्लाह का जवाब है। अब कुरान करीम का मुताला करें, कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ने ये बात फरमाई है कि जो नबी हैं वो बशर होते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैय, सूरह कहफ की आखिरी आयत है, कह दीजिए मैं बशर हूँ तुम्हारे जैसा, मुझ पर वही होती है। यानी बशरियत वही के मुनाफी है ही नहीं, लोगों का ये इतराज़ बशरियत वही के मुनाफी है, ये इतराज़ गलत है लोगों का, बशरियत वही के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि अल्लाह ने इंसानों में रसूल बनाए हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तो मनुष्यत का ध्यान रखा है कि अगर इंसान हो तो रसूल भी इंसान हो, अगर लोग अरब हों रसूल भी अरबी हो, जैसे हमने इस सूरत के शुरू में पढ़ा कि अल्लाह रसूल को उसकी कौम की ज़बान में भेजते हैं, अल्लाह रसूल पर जो किताब भेजते हैं वो भी अपनी कौम की ज़बान में भेजते हैं। अल्लाह ये एहसान जितलाते हैं कौमों पर कि ऐ लोगों हमारा तुम पर यह एहसान है कि हमने तुम ही में से रसूल भेजा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किए जब अल्लाह ने मोमिनों में उन्हीं में से रसूल भेजा। लक़द जाअकुम रसूलन मिन अन्फुसिकुम, अलबत्ता तहक़ीक़ तुम्हारे पास एक रसूल आया जो तुम ही में से है। अल्लाह तो इस बात को कि रसूल उसी कौम में से हैं, अल्लाह तो इसे एहसान के तौर पर बता रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं जी नबी तो हम में से क्या, नबी तो फरिश्ता होना चाहिए। अल्लाह इसका जवाब देते हैं कि दुनिया में फरिश्ते इंसान बसते हैं, तो जब दुनिया में फरिश्ते दुनिया में इंसान बसते हैं तो नबी भी इंसान होगा, अगर दुनिया में फरिश्ते बसते होते नबी भी फरिश्ता होता। अल्लाह ने तो इतना एहतमाम किया है नबियों के लिए रसूलों के लिए कि नबी ऐसा हो कि कौम उससे बहुत मानूस हो, नबी सिर्फ ये नहीं कि वो बशर हो इंसान हो, नबी उसी कुंबे कबीले से हो जिस कुंबे कबीले पर अल्लाह ने उसे मबूस किया है। अगर कौम कुरैश है तो नबी भी कुरैश में से हो, अगर कौम अरब है तो नबी भी अरब हो, कौम जिस इलाके की है नबी भी उसी इलाके का हो, नबी पर उतरने वाली किताब की ज़बान भी वही हो जो कौम की ज़बान है। क्योंकि नबी ने सिर्फ अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाना होता, बल्कि नबी ने अपनी कौम के लिए उस्वा भी बनना होता है। उस्वा बनने के लिए ज़रूरी है कि नबी की वही सलाहियतें हों, वही ख्वाहिशात हों, वही चीज़ें उसके साथ लगी हों जो बाकी लोगों के साथ जो लगी हुई हैं, वही भूख प्यास नबी को हो जो आम लोगों को भूख प्यास होती है, वही ख्वाहिशात नबी में हो जो आम लोगों की होती हैं, वरना नबी अपनी कौम के लिए उस्वा हो ही नहीं सकता। तो ये कहना कौम वालों का नबी को फरिश्ता होना चाहिए, ये इस एतबार से भी बड़ी एक गैर अकली बात है। अगर फरिश्ता नबी बन जाता इंसानों के लिए तो बहुत बड़ा इतराज़ होता है इंसानों का, ये फरिश्ता रातों को तहज्जुद पढ़ने में हमारे लिए उस्वा कैसे हो सकता है, फरिश्तों को तो नींद नहीं आती हमें तो नींद आती है, ये फरिश्ता रोज़ा रखने में हमारे लिए उस्वा कैसे हो सकता है, फरिश्तों को तो भूख ही नहीं लगती हमें तो भूख लगती है, ये फरिश्ता जिहाद में अपनी जान कुर्बान करने में हमारे लिए उस्वा कैसे हो सकता है, फरिश्तों को तो इंसान मार ही नहीं सकते, उस पर हमला कर ही नहीं सकते,
दस तरह के इतराज़ात हो सकते थे। तो अल्लाह ने तो मनुष्यत का बहुत ध्यान रखा, अल्लाह ने तो इसको एहसान के तौर पे जिक्र किया है कि बशर होगा तो रसूल भी बशर होगा, कौम बशर होगी रसूल भी बशर होगा, बल्कि रसूल उसी कबीले का होगा, बल्कि रसूल अपनी कौम की ज़बान बोलेगा। ये सब बातों का अल्लाह ने ध्यान रखा है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह इतना ध्यान करें मनुष्यत का, मुनासिबत का, लेकिन अल्लाह ताला नबी को किसी दूसरी ही जिन्स से, किसी दूसरी ही इंसान हो, अल्लाह नबी को फरिश्ता बना दे? ये कैसे हो सकता है? और अल्लाह ने बड़ी सराह से कहा, चूँकि दुनिया में इंसान बसते हैं, अल्लाह ने इस बनी इसराइल में चूँकि दुनिया में इंसान बसते हैं, अल्लाह ने नबियों को इंसान रसूल बनाकर भेजा है। अगर दुनिया में फरिश्ते बसते होते, अल्लाह नबियों को फरिश्ता रसूल बनाकर भेजते। सूरह बनी इसराइल में वमा मना अन्नासा युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला, अक्सर लोगों ने हदायत कबूल करने से इसलिए इनकार किया कि उन्होंने कहा अल्लाह ने बशर को रसूल क्यों बनाकर भेजा है। अल्लाह ने उसका जवाब दिया कुल लव काना फिल अर्ज़ मलाइकतुन, कह दीजिए अगर ज़मीन में फरिश्ते बसते होते, यमशूना चलते फिरते होते, मुतमइन्नीना इत्मिनान के साथ, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम आसमान से फरिश्ता रसूल उतारते। तो इन दलाइल के बाद ये मसला ख़त्म हो जाना चाहिए कि नबी बशर नहीं हो सकता। पुरानी कौम में हमेशा से कहती रहीं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि बशर पर नबूवत और रिसालत नहीं आ सकती। अल्लाह ने जवाब दिया कि बशर पर नबूवत और रिसालत आ सकती है अगर अल्लाह किसी बशर पर एहसान करना चाहे। ये इतराज़ तो हमेशा कुफार ने किया, लेकिन अलमिया ये है कि आज मुसलमान कहलाने वाले भी ये इतराज़ करते हैं किसी और अंदाज से। मुसलमान कहलाने वाले कहते हैं कि हम नबियों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानते हैं, हम उन्हें बशर नहीं मानते। नबी तो मानते हैं, बशर नहीं मानते। पुराने लोग क्या कहते थे नबियों के बारे में कि हम उन्हें बशर तो मानते हैं, नबी नहीं मानते। चूंकि ये बशर हैं, पुरानी कौमों का क्या इतराज़ है, चूंकि ये बशर हैं लिहाजा ये नबी नहीं है। और हमारे आज मुसलमान भाई क्या कहते हैं कि नबी नबी तो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया, नबी तो हैं लेकिन बशर नहीं है। आप देखिए दोनों बातों का नतीजा एक ही है, दोनों बातों का नतीजा एक ही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने वाले तमाम कौमों ने अपने नबियों पर इतराज़ किया कि ये बशर हैं, हमारे सामने पले बड़े हैं, बशर हैं लिहाजा नबी नहीं है। और हमारे लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये नबी हैं बशर नहीं है। नतीजा दोनों का एक है कि बशर, बशरियत और नबूवत इकट्ठी नहीं हो सकती। अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह जवाब दिया है कि बशरियत और नबूवत इकट्ठी हो सकती है। अल्लाह जिसको चाहे बशर में से अल्लाह रसूल बना दे, नबी बना दे। बड़ी सादा सी बात है, लेकिन इतनी सादा सी बात को कई लोग मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, उनका इतराज़ ये था कि आप हमारे पास वाज़ह दलील क्यों नहीं लाते, फ़ातूना बिसुल्तान मुबीन। उसका जवाब नबियों ने दिया वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़्निल्लाह, हमारे लायक नहीं कि हम तुम्हारे पास दलील लाएं मगर अल्लाह के हुक्म से। नबियों ने जवाब दिया, मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि जो कौमों का इतराज़ है कि आप हमारे पास वाज़ह दलील क्यों नहीं लाते, मौजज़ा क्यों नहीं लाते, इस इतराज़ से मुराद कौमों के मन माने मौजज़े हैं, इससे मुराद आम मौजज़ा नहीं है, इससे मुराद कौमों के वो मौजज़े हैं जो वो जो भी चाहते हैं मुतालबा कर देते। तो अल्लाह ताला नबियों पर मौजज़ा तो भेजते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कौम के हर हर फर्द का मन चाहा मौजज़ा अल्लाह पूरा नहीं करते। क्यों पूरा नहीं करते? अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं। अगर अल्लाह किसी का मन चाहा मौजज़ा पूरा कर दें तो अल्लाह की एक सुन्नत है कि फिर अल्लाह अगर कोई इनकार करे फिर अल्लाह ढील नहीं देते। अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह लोगों को ढील दें, तो इसलिए अल्लाह ताला कौम के हर फर्द का मन चाहा मौजज़ा पूरा नहीं, जो मुतालबा है पूरा नहीं करते, और ये अल्लाह का एहसान है। तो जो कौम वाले इतराज़ करते थे कि आपने मौजज़ा पेश नहीं किया, उस इतराज़ से मुराद ये नहीं है कि नबी मौजज़ा ला ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा ला ही नहीं, उस इतराज़ से मुराद है कि आपने, हम जो
मुतालबा कर रहे हूँ, मौजज़ा पूरा नहीं किया। तो इसका जवाब अल्लाह ने नबियों के वास्ते से ये दिया, अल्लाह ने फरमाया नबियों को कि आप नबी ऐलान कर दें, वमा कान अलना अन अतियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़्निल्लाह, हमारे लायक नहीं कि हम तुम्हारे पास दलील लाएँ, मौजज़ा लाएँ। कौन सा मौजज़ा? जो तुम मांग रहे हो वो लाएँ, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाज़त से। नबियों ने वाज़े कर दिया कि मौजज़ा लाना ये हमारा काम है ही नहीं, हमारी सलाहियत है ही नहीं कि हम, जब नबी कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरे अल्लाह के नबी होने की दलील ये है कि मैं मौजज़ा पेश कर सकता हूँ, नबी का कभी ये दावा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मौजज़ा पेश कर सकता हूँ। नबी का दावा ये होता है कि मैं अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा पेश करूँगा। अब अगर कौम कहे कि आप ये वाला मौजज़ा पेश करें, तो अब नबी, अल्लाह नबी को हुक्म देते हैं आप ऐलान करें कि मौजज़ा लाना तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक, जो तुम कहो वो, और जब तुम कहो वो, ये मौजज़ा लाना ये हमारी ताकत नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहेंगे तब ये मौजज़ा पूरा हो जाएगा। हमारे पास तो हर एक मौजज़ा लाने की और हर वक़्त मौजज़ा लाने की इस्तात तो नहीं है। وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, और अल्लाह पर ही बस चाहिए कि तवक्कुल करें मोमिन लोग। नबी कह रहे हैं अपनी कौम से कि मोमिनों को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। क्या मुराद है मोमिनों को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, या मोमिन से मुराद कौन है, या मोमिन से मुराद यही नबी मुराद है जो नबी अपनी कौम को जवाब दे रहे हैं इस आयत के शुरू में। قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ, ये रसूलों का जवाब है, ये पूरी आयत ये रसूलों की बात है जो अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को जवाब दें। ये पूरी आयत रसूलों का जवाब है अल्लाह के हुक्म से। रसूलों का एक जवाब ये है कि हम बशर हैं और अल्लाह जिस पर चाहे बशर में से उस पर अल्लाह एहसान कर दे, नबी बना दे। दूसरा जवाब ये है रसूलों का कि हम अपनी मर्ज़ी से मौजज़ा नहीं ला सकते, हम अल्लाह के हुक्म से मौजज़ा ला सकते हैं, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो मौजज़ा आ जाएगा। तीसरा जवाब ये है, तीसरी बात जो रसूलों ने कही कि अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए, या मोमिनों से मुराद नबी खुद हैं, क्योंकि नबी मोमिनों के इमाम होते हैं। गोया कि नबियों का कहना ये है कि हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है। यहाँ मोमिनों से मुराद नबी खुद मुराद है, कैसे पता लगा? अगली आयत से। अगली आयत पढ़िए, व मालाना अल्ला न तवक्कल अलल्लाह, हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें। कौन कह रहा है? यही नबी। हमें क्या हो गया हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें? इस आयत करीमा के शुरू से पता लगा पिछली आयत करीमा में वअला अल्लाहि फलयतवक्कलुल मुमिनून से मुराद नबी खुद मुराद है। नबी कह रहे हैं कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है, क्योंकि मोमिनों का भरोसा अल्लाह पर होता है और नबी तो मोमिनों का इमाम होते हैं, तो मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए और हम भी मोमिन हैं। नबी कह रहे हैं हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारा इतराज़ है कि हम बशर हैं तो हम बशर होने के बावजूद नबी हैं, तुम्हारा इतराज़ ये है कि हम मौजज़ा क्यों नहीं लाए, अल्लाह का हुक्म होगा तो मौजज़ा आ जाएगा। अब अगर तुमने हमें नबी मानना है नहीं मानना, हमारा अल्लाह पर तवक्कुल है। तुम हमें नबी मानो तब भी ठीक है, तुम हमें नबी ना भी मानो, हमारी मुखालफत करो, जो तुमने करना है करो, हमारा अल्लाह पर तवक्कुल है। और फिर नबी कहते हैं, यहाँ नबी मुराद है पिछली आयत करीमा के आखिर में, और फिर नबी कहते हैं हम अल्लाह पे तवक्कुल क्यों ना करें, हमें क्या है कि हम अल्लाह पे तवक्कुल ना करें। वक़द हदाना सुबुलना, और तहकीक उसने हमें हदायत दे दी है हमारे रस्तों की। अल्लाह ने हमें सारे रस्ते सिखा दिए हैं, अल्लाह ने हमें सारी अच्छी बातें अल्लाह ने बता दी हैं, अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी है। जब अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी है, अल्लाह ने हमें हमारे रास्ते दिखा दिए हैं, अब हम अल्लाह पे तवक्कुल क्यों ना करें। हमारी तालीमात का एक बड़ा हिस्सा इस पर मुश्तमिल है कि हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, हम अल्लाह पे तवक्कुल क्यों ना करें। तुम हमारी मुखालफत करो, तुम हमारी हिमायत करो, तुम हम पर ईमान लाओ या हम पर ईमान ना लाओ, हमारा हर सूरत में अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह पर एतमाद है, हमारा तुम पर एतमाद नहीं है। तुम सब मिलकर हमारी हिमायत करो, हमारे साथ हो जाओ, हम पर ईमान ले आओ, या तुम सब मिलकर हमारा इनकार कर दो, हमारे मुखालिफ हो जाओ, हम पे चढ़ाई कर दो, हमारा अल्लाह पे तवक्कुल है, हम तुमसे डरते ही नहीं हैं। ये बहुत बड़ा ईमान का मुजाहिरा है जो नबी करते हैं। नबी अक्सर
अपनी कौम के सामने दावा कर देते हैं कि हमारा तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर है, तुम ईमान लाओ हमारा काम है तुम्हें दावा देना, तुम ईमान ले आओ तो तुम्हारा फ़ायदा है, तुम ईमान न लाओ हम तुमसे डरते नहीं हैं, हमें तुम्हारा खौफ नहीं है, हमारा तो तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है। हमें क्या हो गया कि हम अल्लाह पर तवक्कुल न करें। वक़द हदाना सुबुलना, और तहकीक वो हमें हदायत दे चुका है हमारे रस्तों की। वला नस्बिरन्ना अला मा आदैतुमूना, और अलबत्ता हम ज़रूर सब्र करेंगे ऊपर उसके जो तुम हमें अज़ियत दो। वाज़े बिल्कुल बात वाज़े है कि नबियों का कहने का मतलब ये है कि तुम हम पर ईमान लाओ फिर भी ठीक है, ना ईमान लाओ हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, हमने तुम्हें दावत दे दी है, मोजज़ात जो पेश करने थे अल्लाह के हुक्म से पेश कर दिए हैं, अब तुम हम पर ईमान लाओ या ना ईमान लाओ हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है। अगर तुम हमारे मुखालिफ हो जाओ, तुम हमें अजियत देना चाहो, तुम हमारी मुखालफत करना चाहो, तुम हमारे खिलाफ लड़ाई करना चाहो, हम पर हमला करना चाहो, तुम जो अजियत दोगे हम सब्र करेंगे उस पर, और हमारा अल्लाह पे तवक्कुल है, अल्लाह हमें तुमसे बचाएंगे, हम ज़रूर सब्र करेंगे। अलामा आदैतुमूना, ऊपर उसके जो तुमने जो तुम हमें अजियत दो। वअलल्लाहि फलयतवक्कल मुतवक्किलून, और अल्लाह पर ही बस चाहिए कि तवक्कुल करें तवक्कुल करने वाले। दोबारा ये बात दोहराई नबियों ने, तवक्कुल करने वालों को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। मुराद नबी खुद हैं, मुराद है यानी हम अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, हमारा अल्लाह पर एतमाद है, हमारा अल्लाह पे तवक्कुल है। चलें इतना ही काफ़ी है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।